हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बकाबल लौटा हूं एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिंजी रोल एनिमे अवार्ड्स के बारे में। तो हर साल की तरह इस साल भी क्रिंजी रोल ने मुझे डिसअपॉइंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उसके बारे में जल्दी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्रिंजी रोल एनिमे अवार्ड्स 2019 के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने किसे वोट किया इसके बारे में देखेंगे, नॉमिनेशन देखेंगे, कौन जीता, विनर कौन था ये देखेंगे, और देखेंगे कि मेरे ओपिनियन, मेरे थॉट्स और मेरे व्यूज़ क्या है उस नॉमिनेशन और विनर्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी थी बेस्ट ओपनिंग की, जिसके लिए नॉमिनेट हुए थे फिक्शन बाय सुमिका फ्रॉम वोताकोई, किस ऑफ डेथ बाय मिका नाकाशिमा एक्स हाइडे फ्रॉम डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, डील विद द डेविल बाय टिया काकीगुरुई, पॉप टीम एपिक बाय सुमिरे उएसाका फ्रॉम पॉप टीम एपिक, आग्रेस्को थीम बाय म्यूरा जैम फ्रॉम आग्रेस्को, फाइटिंग गोल्ड बाय कोडा फ्रॉम जोजोस बिजार एडवेंचर, और बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस का विनर था किस ऑफ डेथ बाय मिका नाकाशिमा एक्स हाइडे फ्रॉम डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। और मैंने वोट भी इसी के लिए किया था, तो मैं खुश हूँ कि जिसको मैंने वोट किया था वो जीता। लेकिन तो क्या किस ऑफ डेथ डिजर्व करता था जीतना, तो मैं कहूँगा हाँ। लेकिन क्या मैं सेटिस्फाई हूँ इस रिजल्ट से, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इसे वोट किया नॉमिनेशंस देख के। और मैं मानता हूँ कि नॉमिनेशन फिक्शन अच्छा था, फाइटिंग गोल्ड अच्छा था, और डील विद द डेविल काकीगुरुई का जो ओपनिंग है, काकीगुरुई 2017 का एनिमे है, और वो लिस्ट में क्यों था मुझे समझा नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि वो यूएस में 2018 में आया, इंग्लिश डब हो गया या शायद से लीगल वे में, तो हो सकता है उस वजह से ये लिस्ट में आ गया, तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी आग्रेस्को के थीम सॉन्ग की जगह और पॉप टीम एपिक के थीम सॉन्ग की जगह काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शोज के ओपनिंग डिजर्व करते थे आना, जैसे कि ब्लू मिंटू यू का ओपनिंग इतना ब्यूटीफुल था, वो लिस्ट में नॉमिनेट तक नहीं हुआ, और वॉलेट एवरगार्डन का तो मुझे लगता है जीत भी जाता, बट फॉर सम रीजन वो नॉमिनेट तक नहीं हुआ। फिर किमिनो से जो ओपनिंग इतना हाइप था इस लास्ट सीजन में फॉल में, बनीगा सेनपाई का ओपनिंग, वो नॉमिनेट तक नहीं हुआ। और ऐसे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ओपनिंग थे जो नॉमिनेट होते और जीत भी सकते थे, पर उन्होंने उसे नॉमिनेट तक नहीं किया। तो ये मेरी मेन प्रॉब्लम है पहले कैटेगरी से ओपनिंग सीक्वेंस के। तो चले अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी थी बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस की, बेस्ट एंडिंग सॉन्ग की। तो उसके नॉमिनेशन थे काकाते कोयो बाय नाकामुरा एमी फ्रॉम मेगालो बॉक्स, अकात्सुकिनो रेक्वेम बाय लिंक्ड होराइजन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन्स, रीफ्रेन बाय एमर फ्रॉम कोयो आमेगारी नो योनी, स्टार ओवरहर्ड बाय द पिलोस फ्रॉम फुली कुली ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट फ्लाई मी टू द स्टार बाय स्टारलाइट कुकुगुमी फ्रॉम रिव्यू स्टारलाइट, एंड लास्ट स्पाइकी सीड्स बाय द पिलोस फ्रॉम फुली कुली प्रोग्रेसिव, एंड द विनर वॉज अकात्सुकिनो रेक्वेम बाय लिंक्ड होराइजन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन सीजन 3। फिर से वही बात, वही गलती जो क्रिंजी रोल एनिमे अवार्ड्स हर साल करता है। वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम अंडर रेटेड शोज को भी बूस्ट दे रहे हैं, जबकि असल में वो जो मेन स्ट्रीम एनिमेज हैं उनको ही जिताते हैं, उनको ही बूस्ट देते हैं, और वो ऐसे हमारे फेवरेट शो सिर्फ इसीलिए लिस्ट में रखते हैं ताकि हम देखें और अंदर से रो सकें, दिल से रो सकें कि हाँ भाई ये नॉमिनेशन में आया था पर फिर भी हार गया एक ऐसे शो से जो जीतना डिजर्व भी नहीं करता था। अभी आप में से काफ़ी सारे अटैक ऑन टाइटन्स के फैन भी होंगे, लेकिन वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि अकात्सुकिनो रेक्वेम भले ही लिस्ट में आ गया, वो बेकार नहीं था, अच्छा एंडिंग सीक्वेंस था, अच्छा एंडिंग सॉन्ग था, पर जीतना तो डिजर्व नहीं करता था। मेरा वोट गया रिफ्रेन को बाय एमर फ्रॉम कोई वो आमेगारी नो यूनी, और मेरे हिसाब से तो वो ही जीतना डिजर्व करता था इन सब में। अगेन वो ही कि मतलब सोरा यूरू में तोइबाशो का एंडिंग इतना अच्छा था, वो नॉमिनेट तक नहीं हुआ, और यूरू कैंप का इतना ब्यूटीफुल एंडिंग था वो नॉमिनेट नहीं हुआ, और वॉलेट एवरगार्डन का एंडिंग इतना अच्छा था और वो भी नॉमिनेट नहीं हुआ, और इतने अच्छे अच्छे आ सकते थे वो नॉमिनेशन में तक नहीं आए, और अकात्सुकिनो रेक्वेम सिर्फ मेन स्ट्रीम होने की वजह से, अटैक ऑन टाइटन्स का एंडिंग होने की वजह से वो जीत गया। मेगालो बॉक्स का एंडिंग डिजर्व करता था जीतना, रिफ्रेन मैं तो रिफ्रेन को ही वोट किया था और मैं चाहता था कि रिफ्रेन जीते, या फिर फुली कुली के दोनों भी एंडिंग काफ़ी बढ़िया थे, द पिलोज ने गाए थे, पिलो काफ़ी बढ़िया बैंड है, अगर आपने नहीं सुना तो आपको उनके सॉन्ग सुनने चाहिए, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन फिर भी मुझे, चले अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो रिफ्रेन को जीतना चाहिए था। तो चले अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी थी बेस्ट बॉय की, और उसके नॉमिनेशन थे कोतारो तात्सुमी फ्रॉम जॉम्बीलैंड सागा, होंडा सान फ्रॉम स्कल फेस बुक सेलर होंडा सान, इजुको मिडोरिया फ्रॉम माय हीरो अकेडमी सीजन 3, साक्ता आजुसागावा फ्रॉम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनिगल सेनपाई, हाइडा फ्रॉम आग्रेस्को, और लास्ट जो फ्रॉम मेगालोबॉक्स।
और विनर था इस कैटेगरी का, बेस्ट बॉय के कैटेगरी का, इज़ुको मिडोरिया। क्यों? क्योंकि इट्स अ फकिंग मेन स्ट्रीम एनीमे। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इज़ुको को जब लास्ट टाइम मिला था, लास्ट टाइम के लास्ट टाइम मिला था, तब मैंने कहा था कि हाँ भाई ये डिजर्विंग है क्योंकि उसका कैरेक्टर था। और ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी उसका कैरेक्टर खराब हो चुका है, अभी भी उसका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोतारो तात्सुमी के होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई और जीतना डिजर्व करता था। और इज़ुको को मिला, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम है, इज़ुको भी बेस्ट बॉय के लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट था। लेकिन मुझे लगता है कि या तो जो फ्रॉम मेगालोबॉक्स या तो कोतारो को मिलना चाहिए था, जो और कोतारो, मेरे हिसाब से तो ये दोनों को मिलना चाहिए था बेस्ट बॉय का अवार्ड। पर खैर ये मेरा ओपिनियन है। तो चलिए अब अगले नॉमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, नॉमिनीज फॉर बेस्ट गर्ल, एक ऐसा अवार्ड जो वर्ल्ड वॉर 3 करा सकता है। तो चलिए इसके नॉमिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आंजू फ्रॉम हिना मात्सुरी, सेकंड हिनाटा फ्रॉम सोरेजुमो तोबाशो, थर्ड लिली फ्रॉम ज़ॉम्बीलैंड सागा, फोर्थ एसिरपा फ्रॉम गोल्डन कामुई, फिफ्थ नादेश को कागामिहारा फ्रॉम यूरू कैंप, सिक्स्थ माई साकुराजिमा फ्रॉम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनीगल सेनपाई। एंड गेस व्हाट, गेस करो कि कौन जीता रहेगा। ऑफ कोर्स माई साकुराजिमा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब मेरा वोट गया था नादेशको को, और मैं चाहता भी था कि नादेशको जीते, मगर मैंने वोटिंग करते टाइम ही मैंने मतलब मुझे पता था कि माई ही जीतेगी, माई साकुराजिमा, क्योंकि जितना हाइट बन चुका था माई का उस टाइम पे, मुझे पता था कि और कोई जीत नहीं पाएगा। हिनाटा भी बहुत ही बढ़िया बेस्ट गर्ल नॉमिनेशन है, पर हिनाटा की जगह मुझे लगता है कि अगर शिरासे भी आती तो अच्छा ही होता, हिनाटा की जगह शिरासे भी आती तो। पर खैर जो होना था हो गया, माई साकुराजिमा को मिल गया। और माई साकुराजिमा को मिला तो मुझे पता नहीं क्यों, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार बेस्ट गर्ल के सारे जितने भी थे काफी अच्छे थे, नॉमिनेशन अच्छे थे, तो इनमें से कोई भी जीतता तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता। लेकिन माई को मिला तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसे ओवर हाइपनेस की वजह से मिल गया ये अवार्ड। अगर बनीगल सेनपाई फॉल की जगह समर में आया रहता या विंटर में आया रहता तो मुझे नहीं लगता कि माई जीतती। बनीगल सेनपाई फॉल में आया और ये अवार्ड्स का भी डिक्लेरेशन और नॉमिनेशन उसी टाइम पे हुआ, तो लोगों के अंदर वो हाइप थी वो टाइम पे। और यूरो कैंप विंटर में आया था, स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे लोग वोटिंग के टाइम तक तो ऐसा हो गया रहा कि करंटली उनके दिल में माई रहेगी, माई साकुराजिमा बसी होगी। पर लेकिन आई एम प्राउड कि मेरी बेटी कम से कम नॉमिनेशन में तो आई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अगला कैटेगरी है नॉमिनेशन फॉर बेस्ट वॉइस एक्टर जैपनीज। और अगर इन्होंने इसमें इसे नहीं जिताया होता, जो जिताया है, जिसे जिताया है, तो मैं पागल हो जाता कसम से। तो चलिए पहले हम नॉमिनेशन देख लेते हैं। मामोरू मियानो, जिन्होंने कोतारो तात्सुमी का कैरेक्टर प्ले किया फ्रॉम ज़ॉम्बीलैंड सागा, सेकंड सोमा साइतो, जिन्होंने होंडा सान का कैरेक्टर प्ले किया फ्रॉम स्कल फेसबुक सेलर होंडा सान, थर्ड मेगुमी हान, जिन्होंने मिकी का कैरेक्टर प्ले किया है डेविलमैन क्राइबेबी में, फोर्थ नाओ तोयामा, जिन्होंने रिन का कैरेक्टर प्ले किया यूरो कैंप में। और अगर आप नहीं जानते होंगे तो नाओ तोयामा ही चितोगे की वॉइस एक्टर है, मेरी वाइफों की वॉइस एक्टर है। और फिफ्थ रारेको, जिन्होंने रित्सुको का कैरेक्टर प्ले किया आग्रेत्सुको में, और सिक्स्थ रेना उएडा, जिन्होंने अकाने शिंजो का कैरेक्टर प्ले किया है एस ग्रीनमैन में। और इसके विनर है मामोरू मियानो, जिन्होंने कोतारो तात्सुमी का कैरेक्टर प्ले किया है ज़ॉम्बीलैंड सागा में, और ये मुझे लगा कि सबसे बेस्ट चॉइस थी। आई एम ग्लैड कि मामोरू मियानो को मिला ये अवार्ड। तो चलो कुछ तो अच्छा किया क्रिंजी रोल ने इस साल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो कि है नॉमिनीज फॉर बेस्ट वॉइस एक्टर परफॉर्मेंस इंग्लिश। इंग्लिश डब मैंने इनमें से किसी का भी नहीं देखा है सिवाय माय हीरो एकेडमी के, तो इसलिए मैंने ऑल माइट के वॉइस एक्टर को ही वोट किया, क्रिस्टोफर सेबत को, ही इज अ लेजेंड। और इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सिर्फ माय हीरो एकेडमी डब में देखा है। तो चलिए अब अगले नॉमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नॉमिनेशन है नॉमिनेशन फॉर बेस्ट फाइट सीन, जिसके नॉमिनेशन थे हीना वर्सेस आंजू, जो कि जैसे तो फाइट भी नहीं कह सकते पर ठीक है, फिर ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट फ्रॉम माय हीरो एकेडमी सीजन 3, थर्ड नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी बारुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, फोर्थ जिरेन वर्सेस गोकू ड्रैगन बॉल सुपर, फिफ्थ यामी वर्सेस लिच ब्लैक क्लोवर, सिक्स सेटन वर्सेस डेविलमैन फ्रॉम डेविलमैन क्राइबेबी। तो इसमें मेरा वोट गया था सेटन वर्सेस डेविलमैन को, और अगर मुझे रीवोट करने मिलता तो मैं वोट करता नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी को, क्योंकि मैंने वो फाइट देखी और मैं कसम से कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया, वो इस ईयर का बेस्ट फाइट सीन था, और मेरे ख्याल से उसे जीतना चाहिए था, पर जीता ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट
फ्रॉम माई हीरो अकेडमी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब डिजर्व नहीं करता था, ये फाइट भी बहुत बढ़िया था। गुड वर्सेस ईविल का जो इतने टाइम से हम देख रहे थे, फाइनली हमें मेन बॉस को देखने मिल गया और काफ़ी बढ़िया फाइट भी हुई उनके बीच में, और जो पूरा मैसेज था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर फाइट सीन की बात करें तो मुझे लगता है कि नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी ज़्यादा डिजर्विंग था जीतना ये, क्योंकि वो रियल फाइट सीन था, उसका डायरेक्शन इतना बढ़िया था। पर अब मैं क्या कहूँ, और सेटन वर्सेस डेविलमैन को मैंने इसलिए वोट किया, भले ही वो 2 मिनट की फाइट थी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस 2 मिनट में भी उन्होंने जो दिखाया, जो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आपने डेविलमैन क्राइबेबी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मुझे मैंने इसलिए वोट किया क्योंकि मुझे वो फाइट सीन ऐसा लगा कि निर्णायक, जो बोलते हैं ना निर्णायक घड़ी, तो वो सेटन वर्सेज डेविलमैन के फाइट ने दिखाया था, तो इसलिए मैंने वोट किया था। उस टाइम पर मैंने नारुतो एंड सास्के वर्सेज मोमोशिकी नहीं देखा था, पर अगर मुझे रीवोट करने मिलता तो मैं इस बार उसी को करता। वैसे मुझे प्रॉब्लम है कि ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट जीता तो भी। तो चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं जो कि है बेस्ट प्रोटैगनिस्ट का, और प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि बेस्ट मेन कैरेक्टर कौन है इन सब में से। नॉमिनेशन है रेट्स को फ्रॉम आग्रेट्स को, यूमेको जाबामी फ्रॉम काकीगुरुई, थर्ड जो फ्रॉम मेगालोबॉक्स, फिर वॉलेट एवरगार्डन फ्रॉम वॉलेट एवरगार्डन, रेमुरु टेम्पेस्ट फ्रॉम दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम, सिक्स्थ साकुता अजुसागावा फ्रॉम रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ पनिकल सिनपाई, और इसके विनर है रिमुरु टेम्पेस्ट फ्रॉम दैट टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। मैंने वोट किया था जो को फ्रॉम मेगालोबॉक्स, और मैं चाहता था कि जो जीते क्योंकि वो ये अवार्ड जीतना डिजर्व करता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि या तो साकुता को मिलेगा या तो रिमुरु को मिलेगा, बाकी लोग के बारे में तो मेरे को पता था कि नहीं मिलने वाला है। और रीज़न ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि मतलब ये दोनों फॉल में आई ये शो, और ये सारे व्यूवर्स के दिमाग में रिसेंटली बसे थे और करेंटली थे उनके दिमाग में वोटिंग के टाइम पे, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने उनको दिया वोट क्योंकि ये दोनों भी अच्छे कैरेक्टर्स थे नो डाउट, पर ये फ्रेश उनके दिमाग में थे उस टाइम पे, तो इसलिए उन्होंने इसे वोट किया। मेरा वोट था जो को, और मैं चाहता भी था जो जीते, पर खैर क्या कर सकते हैं। सबसे बेकार चीज़ मुझे इसमें यह लगी कि उन्होंने मेगालोबॉक्स को काफ़ी सारे जगह पे नॉमिनेशन में रखा है पर जिताया कहीं नहीं, जबकि वो इनमें से काफ़ी सारे अवार्ड्स जीतना डिजर्व भी करता था। पर खैर चलिए अगला कैटेगरी देखते हैं, अगला कैटेगरी फॉर बेस्ट एंटैगनिस्ट का। तो इसके नॉमिनेशन है रियो आस्का फ्रॉम डेविलमैन क्राईबेबी, अकाने शिंजो फ्रॉम SSSS ग्रिडमैन, ऑल फॉर वन फ्रॉम माय हीरो एकेडमी सीजन 3, यूरी फ्रॉम मेगालोबॉक्स, तोकोशिरो फ्रॉम गोल्डन कामुई, मोमोंगा फ्रॉम ओवरलॉर्ड 3, एंड द विनर वॉज फकिंग ऑल फॉर वन फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया सीजन 3। अब ये सबसे बड़ा मुझे जो धक्का लगा वो ये था, सबसे पहली बात तो मोमोंगा इस लिस्ट में क्यों था, ही इज नॉट एन एंटैगनिस्ट, वो प्रोटैगनिस्ट है, भले वो बुरा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है मतलब वो एंटैगनिस्ट हो गया। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और ओवरलॉर्ड का मेन कैरेक्टर है मोमोंगा, वो कोई एंटैगनिस्ट नहीं है। उसे एंटी हीरो कह सकते पर उसे एंटैगनिस्ट कहना बहुत ही गलत होगा क्योंकि वो है ही नहीं एंटैगनिस्ट। और यूरी भी काफी सही कंटेंडर था एंटैगनिस्ट के लिए, और अकाने भी, अकाने शिंजो फ्रॉम SSSS ग्रिडमैन भी काफी डिजर्विंग कैंडिडेट थी। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है ऑल फॉर वन के जीतने से क्योंकि भले ही मतलब ऐसा दिखाया कि वो काफी स्ट्रांग विलन है, लेकिन मतलब उसको दिखाया ही क्या है अभी तक, उसको कुछ मिनट के लिए दिखाया, मतलब कुछ उस सीन के लिए दिखाया, उसमें भी उसके कैरेक्टर को नहीं दिखाया, ऐसा दिखाया कि वो ट्रू विलन है और उसने फलाना ढिकाना किया है, मतलब किया है पास्ट में, पर उसको दिखाया नहीं, उसके कैरेक्टर को नहीं दिखाया कि मतलब उसके बारे में कुछ बताया नहीं, लिटरली कुछ नहीं बताया इतना, खाली ऐसा दिखाया कि एक विलन है जो बहुत बुरे काम उसने पास्ट में किए हैं, और क्या वो भी इतना अच्छे से दिखाया नहीं है। तो मतलब वो जीता, वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि वो माय हीरो एकेडमी से है सीजन 3 से, और वो मेन स्ट्रीम एनिमे का पार्ट है इसीलिए वो जीता। इन सब में मैं तो कहूंगा कि सबसे बेस्ट रियो को जाता है क्योंकि रियो का कैरेक्टर जो फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक में जो डेवलप हुआ कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, अगर आपने नहीं दिखा रहा तो आपको स्पॉइलर वैसे मिली क्या होगा, पर फिर भी रियो सबसे ज्यादा डिजर्व करता था इसमें, और मैं इसमें तो किसी और की नहीं सुनने वाला, कोई भी जो कमेंट है बोलेगा कि ऑल फॉर वन ही जीतना चाहिए था तो फक ऑफ, रियो डिजर्व करता है जीतने का, या फिर लिटरली कोई भी ऑल फॉर वन की जगह कोई भी जीतता तो मुझे खुशी होती, रियो जीतता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर मोमोंगो और ऑल फॉर वन की जगह कोई भी जीत सकता था, किसी को भी जीतना चाहिए था इन दोनों की जगह, पर ऑल फॉर वन जीता क्योंकि वो मेन स्ट्रीम एनिमे का पार्ट है। तो चलिए अब अगले कैटेगरी पे आते हैं, नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एनिमेशन। तो इसके नॉमिनेशन थे वॉयलेट एवरगार्डन, डेविलमैन क्राईबेबी, मेगालोबॉक्स, सोरा योरिमो तोइबाशो, ब्लूम इनटू यू, एंड फकिंग माय हीरो एकेडमी सीजन 3 अगेन। और इसके विनर है वॉयलेट एवरगार्डन जिसका एनिमेशन स्टूडियो था क्योटो एनिमेशन, एंड आई एम ग्लैड कि
वॉलेट एवोगार्डन को मिला, अगर उसकी जगह किसी और को मिलता तो मैं जानता नहीं मैं क्या कर देता। वॉलेट एवोगार्डन इतना ब्यूटीफुल शो था, और एनिमेशन के मामले में मुझे लगता कि उससे ज़्यादा एकदम बोलते ना कि वो शो जो डिफाइन करता है एनिमेशन को, अगर बेस्ट एनिमेशन का नाम लिया तो वॉलेट एवोगार्डन का नाम उसके साथ में ही आता है, क्योंकि दैट वॉज लाइक द एपिटोम ऑफ अ बेस्ट एनिमेशन शो। अब इनमें डेविलमैन क्राईबेबी का एनिमेशन काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अलग तरीके का था, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराने सीरीज को नए तरीके से बनाने की कोशिश की, काफ़ी यूनिक था और काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा कि ये भी जीत सकता है, क्योंकि डेविलमैन क्राईबेबी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में था उस टाइम पे, क्योंकि मतलब वो ईयर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने एक एनिमे ऑफ द ईयर का लोगों के दिमाग में छाप छोड़ा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है डेविलमैन क्राईबेबी जीते, पर आई एम ग्लैड कि वॉलेट एवोगार्डन को मिला। पर अगर उसे नहीं मिलता तो जैसे कि मैंने बताया कि मेगालोबॉक्स को इन्होंने हर जगह रखा है नॉमिनेशन में पर जिताया नहीं, तो रखा ही क्यों है, मेरा दिल जलाने के लिए। और अगर वॉलेट एवोगार्डन को नहीं मिलता तो सोरा एरियो तो ही बाशो को मिल सकता था, क्योंकि उसका एनिमेशन मैं सबसे ब्यूटीफुल तो नहीं कहूँगा लेकिन एक अलग ब्यूटी थी उसके एनिमेशन में। और ब्लू मिंटियो तो मैं कहूँगा कि मैं उसे अगर ब्यूटीफुल एनिमेशन की बात की तो मैं उसे वॉलेट एवोगार्डन के साथ में रखूँगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, उसे साथ में रखूँगा। भले इसमें वॉलेट एवोगार्डन जैसा एकदम डिफाइनिंग ब्यूटी नहीं था, पर इसके एनिमेशन में ऐसे मतलब बोलते ना कि मतलब एक विजुअल ब्यूटी काफ़ी भर भर के थी ब्लू मिंटियो में। और माय हीरो एकेडमिया तो मतलब क्यों भाई, क्यों तुम इसे इतना बूस्ट दे रहे हो माय हीरो एकेडमिया को एक बार फिर से, पिछले मेरे ख्याल से वो ट्रोल कर रहे हैं हमें, क्रंची रोल इज ट्रोलिंग अस, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बेकार एनिमेशन था, लेकिन माय हीरो एकेडमिया का एनिमेशन वॉज लाइक कि हाँ ऐसा ही तो एनिमेशन होता है, मतलब एक अच्छा एनिमेशन ऐसा होता है, पर वो ऐसा नहीं था कि मतलब उसे इस ईयर के बेस्ट में भी काउंट किया जाए, अच्छे में एवरेज था माय हीरो एकेडमिया का एनिमेशन। पर फिर भी क्योंकि वो माय हीरो एकेडमिया है, वो मेन स्ट्रीम है, तो उसे लिस्ट में तो डालना ही था, वरना लोग ऑडियंस बुरा मान जाती। तो खैर आई एम ग्लैड कि वॉलेट एवोगार्डन जीता बेस्ट एनिमेशन के लिए, तो अब अगर इसे एनिमे ऑफ द ईयर नहीं मिला तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन का। तो इसके नॉमिनेशन थे वॉलेट एवोगार्डन, मैं इनके डिजाइनर का नाम आपको स्क्रीन में दे दूंगा, मैं बताने नहीं वाला। तो इसके नॉमिनेशन थे वॉलेट एवोगार्डन, डेविलमैन क्राईबेबी, ज़ॉम्बीलैंड सागा, मेगालोबॉक्स, अग्रेस्को, जोजोस बिजार एडवेंचर, और इसका विनर था जोजोस बिजार एडवेंचर। तो अभी इसको लेके, इसके विनर को लेके मेरे अंदर एकदम मिक्स फीलिंग है। उसका रीजन ये है कि जोजो का जो एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन है वो यूनिक है और काफी हटके और बेस्ट में काउंट होता है, लेकिन ये सेम कैरेक्टर डिजाइन काफी सालों से चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, यूनिक है लेकिन हर सीरीज में यही यूनिक इसका कैरेक्टर डिजाइन होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे खुशी है कि ये जीता, हालांकि मेगालोबॉक्स भी जीत सकता, कम से कम किसी में तो जिताते उसको, या फिर डेविलमैन क्राईबेबी। वॉलेट एवोगार्डन का कैरेक्टर डिजाइन अच्छा था पर मुझे पता था कि वो नहीं जीतेगा। अभी मैंने खुद जोजोस बिजार एडवेंचर को वोट किया, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, क्योंकि मुझे इसका कैरेक्टर डिजाइन पसंद है, पर मैं फिर भी जब ये विनर निकला तो मैं ऐसा मिक्स फीलिंग आ रहा था कि हाँ भले मेरे वोट करने का जीता और सही था, डिजर्विंग था, इसलिए जीता, लेकिन ऐसा है कि डेविलमैन को मिलता तो भी अच्छा होता, या कम से कम इसमें अग्रेस्को को मिलता तो भी चलता, नहीं अग्रेस्को को नहीं, इसमें मेगालोबॉक्स को मिलता तो भी चलता, क्योंकि किसी में तो मिलना चाहिए था, इसमें भी नॉमिनेशन में डाल के रखा है उसे। तो ऐसा है कि डेविलमैन क्राईबेबी का एकदम यूनिक और नया कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डेविलमैन क्राईबेबी में उन्होंने, और जोजो का जो है वो यूनिक तो है पर वो हर सीजन में वही चला आ रहा है, जो कि देखने में मजा आता है, पर ऐसा है कि नया नहीं था। डेविलमैन क्राईबेबी ने और मेगालोबॉक्स ने हमें कुछ नया दिया। मेगालोबॉक्स का एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन एकदम पुराने टाइप के, वो जो क्लासिक शो होते हैं उनका फील देता, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम इसमें जीत जाए, पर इसमें भी नहीं जीता। अब मुझे लग रहा है कि मेगालोबॉक्स को ही मुझे वोट देना चाहिए था, मुझे लगा कि इसमें तो मेगालोबॉक्स को मिलेगा वोट और वो जीतेगा, पर खैर। तो चलिए अब चलते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। अगला कैटेगरी है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज, और इसके नॉमिनेशन थे एंशिएंट मेगासिस ब्राइट, ड्रैगन बॉल सुपर, ब्लैक क्लोवर, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन, वन पीस, बरूटो, नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, और इसका विनर है ड्रैगन बॉल सुपर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ द फक मैन, मैं जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल सुपर के बहुत गंदे कचरे की तरह, कैंसर की तरह फैन बेस भरा है, मैं भी ड्रैगन बॉल का फैन हूँ, लेकिन सुपर का बिल्कुल नहीं। सुपर इतना कचरा, इतना टट्टी सीरीज था, और वो नॉमिनेट, चलो वो नॉमिनेट हो गया क्योंकि हमारे पास बेस्ट के लिए ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं थे कंटिन्यूइंग सीरीज में, मगर मैं दो बार सोचता भी नहीं अगर मैं ये देखता। वन पीस के लिए मैं ऐसा बोल सकता था कि वन पीस आ सकता था, लेकिन मार्च कम्स इन लाइक अ लायन तो
इतना ऑसम सीरीज था सेकंड सीजन उसका, मैं अभी क्या बताऊं आपको, मुझे इतना दिमाग खराब हो गया ये देखने के बाद कि भाड़ में गए सारे शो। मैंने जैसे देखा कि मार्च कम से ना लाइक अ लायन नॉमिनेशन में है, मेरा सबसे पहला वोट उसको गया, फिर उसके बाद मैंने बाकी कैटेगरीज देखे। हाउ द फक डिड ड्रैगन बॉल सुपर वॉन दिस अवार्ड, मैं साफ साफ कहूंगा कि ये डिजर्व भी नहीं करता था जीतना ड्रैगन बॉल सुपर। या तो मार्च कम से ना लाइक लायन को मिलना चाहिए था जो कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग था इन सब में, या तो वन पीस मुझे ऐसा लगा कि उसको मिल सकता है क्योंकि वन पीस के भी काफी फैन है और काफी मतलब एक रीजन है। जैसे ड्रैगन बॉल जी अगर होता तो ड्रैगन बॉल जी जीता मुझे प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ड्रैगन बॉल जी था उतना अच्छा सीरीज और वन पीस उतना अच्छा सीरीज है कि वो जीत जाए, पर वन पीस को भी नहीं मिला, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन को भी नहीं मिला, मिला किसको तो ड्रैगन बॉल सुपर को। तो चले अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे। तो चले अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन में थे मासाकी युआसा फ्रॉम डेविलमैन क्राई बेबी, आस्को इचिजुका अ प्लेस फॉर द थंडर यूनिवर्स या सोरा यूरिमोतो इबाशो, यो मोरियामा जिन्होंने मेगालोबॉक्स को डायरेक्ट किया है, यो है सुजुकी जिन्होंने प्लैनेट विद को किया है डायरेक्ट, ताइची इशिदाते जिन्होंने वॉलेट एपिगार्डन को डायरेक्ट किया है, हिरोका उत्सुमी जिन्होंने बनाना फिश को डायरेक्ट किया है, और विनर थे मासाकी युआसा जो कि ऑफकोर्स ठीक है, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि इस बार उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव करने का कोशिश किया, अगर नहीं कहा तो अभी कह रहा हूँ कि उन्होंने इस साल इम्प्रूव करने की कोशिश की और काफ़ी सारे थे जो कि ठीक थे और अच्छा था कि ये जीते। जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर तो डेविलमैन क्राईबेबी के लिए मासाकी युआसा एकदम परफेक्ट कैंडिडेट भी थे और उन्होंने जीता डिजर्व भी करते। मुझे खुशी है कि ये सारे एकदम अननोटिस नहीं गए, ये सारे इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान किया इस साल। बनाना फिश को सिर्फ डायरेक्शन के लिए नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुआ वो, तो ये देख के मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि इस साल काफ़ी हाइप था वो भी, उसके यावी की वजह से लड़कियों के बीच में काफ़ी हाइप बनी हुई थी इसकी, तो मुझे लगा कि और भी काफ़ी सारे इसमें आएगा, पर खैर आई एम ग्लैड कि डेविलमैन क्राईबेबी भी जीता ये अवार्ड। तो चलिए अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेस्ट फिल्म, और इसके नॉमिनेशन में थे नाइट इज शॉर्ट, वॉक ऑन गर्ल, ठीक है, माई हीरो अकेडमिया, टू हीरोज, Why the fuck was this movie even in this nomination? पर खैर मिराई ऑफ द फ्यूचर, मिराई नो मिराई जो भी कह सकते हैं, लिज एंड द ब्लू बर्ड और मासिंगर इन्फिनिटी, मासिंगर जी इन्फिनिटी और फायर वर्कस, ठीक है, माई हीरो अकेडमिया की मूवी मैंने नहीं देखी लेकिन फिर भी मतलब मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा हिपोक्रेट साउंड कर रहूँगा लेकिन भले कुछ भी हो मैंने भले माई हीरो अकेडमिया की मूवी देखी नहीं लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई उसके साथ में लिज एंड द ब्लू बर्ड और मेरा ऑफ द फ्यूचर ये नॉमिनेशन में थी, देन हाउ द फक डिड दे नॉट विन दिस अवार्ड। और सबसे बड़ी बात कि माकिया तो नॉमिनेट तक नहीं थी और फायरवर्क्स जो कि इतनी बेकार मूवी थी, इतनी बोरिंग मूवी थी, मैं शाफ्ट का फैन हूँ तो मैंने स्पेशली वो मूवी देखी शाफ्ट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट की वजह से मैंने वो मूवी खत्म की, वरना मैं बीच में उसको हटा के डिलीट करने वाला था लेकिन मैंने वो पूरी देखी सिर्फ शाफ्ट की वजह से, और मैं शाफ्ट ने कुछ गलती नहीं की, फायरवर्क्स काफ़ी बोरिंग मूवी थी इन शॉर्ट में कहूँ तो, और वो ऐसा नहीं कि मतलब पर्पसली उसको बोरिंग बनाने की कोशिश की है और उसकी बोरिंग पार्टी उसकी खास बात है, ऐसा नहीं है, दैट वॉज लेजिट बोरिंग मूवी, और मैं उसे बेस्ट फिल्म में तो काउंट भी नहीं करूँगा, उसकी जगह माकिया आ सकता था। मासिंगर जी इन्फिनिटी मैंने नहीं देखी तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लिज एंड द ब्लू बर्ड बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, सबसे ज़्यादा डिजर्व करती थी वो जीतना, मेरा ऑफ द फ्यूचर भी बहुत बढ़िया मूवी है और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई है, वो डिजर्व करती थी जीतना, नाइट इज शॉर्ट, वॉक ऑन गर्ल मैंने नहीं देखी, मैं देखने की सोच रहा हूँ, और माई हीरो अकेडमिया, फक माई हीरो अकेडमिया, वो तो मैं सच बता रहा हूँ माई हीरो अकेडमिया नहीं डिजर्व करती थी बेस्ट फिल्म जीतना, मेरा दिमाग खराब हो गया जैसे ही मैंने इसका मैंने विनर देखा, मैंने ये देखा नॉमिनेशन देखे जब मैं वोट कर रहा था, मेरे मन में एक ही बात आई कि माकिया कैसे नहीं है, और फिर बाद में मैंने सोचा ठीक है नहीं है तो नहीं है, पर Why the fuck is fireworks there? Fireworks इतनी बेकार मूवी होने के बाद वहाँ कैसे, और फिर मैंने जब देखा कि माई हीरो अकेडमिया की मूवी भी है तो मैं समझ गया कि कैसे है, जिसने भी इन्हें नॉमिनेशन में रखा है जरूर कुछ फूक रहा होगा उस टाइम पे और उसने रैंडमली कुछ आके रख दिया इसमें नॉमिनेशन में, और फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है किसी को भी नॉमिनेशन में होने दो, जीतना तो मिराई या लिज एंड द ब्लू बर्ड को ही है, मैंने वोट दिया लिज एंड द ब्लू बर्ड को क्योंकि मुझे वो थोड़ी ज़्यादा पसंद आई, पर जब मैंने देखा कि जीता माई हीरो अकेडमिया तो मेरी सनक गई, मैं सच बता रहा हूँ मेरी सनक गई, मैं खैर क्या अब क्या कर सकते, पर मैं जितना रैंट करूँ उतना कम है इसके बारे में। क्रिंजी रोल एनिमे अवार्ड ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सच में नूब लोगों से भरा है, जो भी उनके जजेस थे सारे नूब थे, नूब भी नहीं कहूँगा बेवकूफ़ कहूँगा,
पर खैर अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैटेगरी जो सबसे मेन कैटेगरी है नॉमिनी फॉर एनिमे ऑफ द ईयर, इसके नॉमिनेशन थे सोरा यूरिमो तोइबाशो, डेविलमैन क्राईबेबी, मेगालोबॉक्स, वॉयलेट एवरगार्डन, हिना मात्सुरी और ज़ॉम्बीलैंड सागा, और इसके विनर थे डेविलमैन क्राईबेबी। और मुझे काफी खुशी है कि डेविलमैन क्राईबेबी जीता, मगर मैंने वोट किया था सोरा यूरिमो तोइबाशो को और मुझे लगा कि सोरा यूरिमो तोइबाशो को ही जीतना चाहिए था क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगा, मतलब ज़्यादा दिल को छुआ उस डेविलमैन क्राईबेबी इंटेलेक्ट शो है, और मेरे सच में मुझे ऐसा है कि सोरा यूरिमो तोइबाशो मुझे ज़्यादा दिल को छू के गया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसे मैंने वोट किया और मैं चाहता था कि वो जीते। डेविलमैन क्राईबेबी जीता, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे काफ़ी खुशी है उल्टा डेविलमैन क्राईबेबी जीता, कोई डिजर्विंग जीता, माय हीरो एकेडमी नहीं जीता इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम यह है कि ज़ॉम्बीलैंड सागा, हिना मात्सुरी और मेगालोबॉक्स भी इसमें नॉमिनेट हुआ, जो कि मुझे समझ में आया, मतलब उनकी जगह यूरो कैंप हो सकता था और ब्लू मिंटी हो सकता था, वो तो इस साल के बेस्ट शोज में से एक है ये सारे, हिना मात्सुरी, ज़ॉम्बीलैंड सागा, मेगालोबॉक्स, ये सारे भी काफ़ी अच्छे शो हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नॉमिनेशन में ही होने चाहिए थे सोरा यूरिमो तोइबाशो, डेविलमैन क्राईबेबी, यूरो कैंप, वॉयलेट एवरगार्डन और भी काफ़ी सारे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, पर ऐसे काफ़ी सारे थे जो हो सकते थे। पर खैर मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे काफ़ी खुशी है कि डेविलमैन जीता, पर अगर सोरा यूरिमो तोइबाशो जीता तो मुझे ज़्यादा खुशी होता। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।